नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल टेक नीरज पर। तो दोस्तों, आज हम TOP का कनेक्शन करेंगे और बहुत ही नए अंदाज में कनेक्शन करना जानेंगे। तो दोस्तों, ये है TOP और हमारे पास मोटर है 2 HP 2 PS की मोटर है और ये है TOP। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, TOP लेना है और TOP में इस तरीके से वायर को सोल्डरिंग आयरन की मदद से आपको इसमें इस तरीके वायर ज्वाइन कर देना है और आपको इस तरीके से इसमें स्लिप लगा लेनी है जिससे कि ये टच ना हो। दोस्तों, हमने इस तरीके से इसमें स्लिप लगा लिया है। और तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि TOP का काम क्या होता है और TOP हमें क्यों मोटर में लगाना चाहिए। दोस्तों, TOP का काम होता है, मोटर जब चलते चलते अगर मोटर वोल्टेज कम ज़्यादा होने के कारण अगर मोटर हीट होती है तो TOP लगाने से मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। जैसे ही मोटर हीट होती है वैसे ही मोटर बंद हो जाती है, इससे कि आपकी मोटर जलने से बच जाती है। TOP एक प्रोटेक्शन पॉइंट है, अगर इसको लगाते हैं तो मोटर, मान लीजिए आप खेत में हैं, जैसे किसान खेत में है और मोटर को लगा देता है, चालू कर देते हैं और मोटर चलते चलते हो सकता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण मोटर अगर गर्म होती है तो मोटर जल जाती है गर्म होकर के, तो मोटर को जलाने से भी बचाता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अगर TOP लगाते हैं तो मोटर उस कारण से भी जलती है, ऐसा मतलब 10% केस में होता है और 90% केस ये है कि आपकी मोटर बचती है TOP लगाने से, ऐसा मैंने देखा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी जितनी भी मोटर रिफाइंड होने आती तो हम लोग सभी में TOP लगाते हैं। तो TOP लगाने के ये फ़ायदे हैं। तो हमें अब TOP को लगाना कैसे और इसमें कनेक्शन मोटर में कनेक्शन कैसे करना है, तो दोस्तों हमने मोटर को रिवाइंड कर लिया है और रिवाइंड करने के बाद इसमें मैंने आपको कनेक्शन कैसे करते हैं मैंने पिछली वीडियो मैंने बनाई है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल में जा कर के। और ये देखिए, जो चार तार निकले हुए हैं, 2 तार रनिंग के हैं, 2 तार स्टार्टिंग के हैं और हमें TOP लगाना रहता है। तो जो रनिंग की कॉइल होती है, ये अंदर वाली कॉइल रनिंग की और ये बाहर वाली कॉइल स्टार्टिंग की है। तो रनिंग की कॉइल में हमें इस तरीके से TOP को अंदर दबा देना है, इस तरीके से हमें TOP को अंदर दबा देना है और दबाने के बाद हमें धागे की मदद से सिलाई कर लेनी है और 2 तार को बाहर निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, 2 तार को हमें बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। तो ये 4 तार हो जाएंगे, ये 2 तार मिलके, ठीक है फ्रेंड। अब ये 2 तार बाहर निकले हुए हैं। अब जब आप पूरी मोटर को सिलाई करके और इंसुलेशन करके अगर जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, जिन वायर को आप कॉमन बनाते हैं, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का वायर मिला के आप कॉमन बनाते हैं, उस कॉमन के वायर में एक TOP के वायर को आपको लगा देना है। और ये 2 तार बचे हुए हैं जिनमें आप कंडेंसर को लगाएंगे और जो खंबे से जो मेन 2 तार आते हैं, जो कि 2 फेस आते हैं, एक फेस को आपको TOP में लगा देना है और एक कंडेंसर के जो रनिंग वाले वायर होते हैं इसमें लगा देना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मैं एक बात और कह देता हूँ, तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो नए नए लोग हैं जिन्हें मोटर वाइंडिंग का काम सीखना है और जिन्हें मोटर को वाइंड करना है, मोटर के फॉल्ट्स को जानना है और मोटर में TOP का कनेक्शन, मतलब मोटर का काम सीखना है, हमारा पर्पस ये है कि उन लोगों को सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देना है और सही तरीके से काम को सिखाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।